हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बेंचमार्क बाय सीमा मैम। दिस इज़ सीमा मैम, सीमा शर्मा मैम वेलकम करती है आपको अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं बीएसटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक के वीडियोस लगातार आपके लिए डाल रही हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर कर सकें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सीबीएसई और आरबीएसई में पूछे जाते हैं। केवल सीबीएसई और आरबीएसई नहीं, इवन जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। यानी डेलीगेशन क्या है, दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को क्लियर करता है, किस किस के, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी डेलीगेट करता है, देता है, ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी जो सुपीरियर है उसकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है। क्योंकि डेलीगेशन एक ऐसी पॉलिसी है, ऐसा फंक्शन है जिसमें सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट्स को देता है और सबॉर्डिनेट उस टास्क को कंप्लीट करके उसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुपीरियर के लिए। पर अकाउंटेबल हमेशा सुपीरियर ही रहता है उस वर्क के लिए। इसीलिए जैसे ही सुपीरियर डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को, उसकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी सबॉर्डिनेट जो भी परफॉर्म करेगा उस परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा, सुपीरियर रहेगा। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट की बनती है कि जो टास्क उसको दी है वो टास्क उसे कंप्लीट करके सुपीरियर को देनी है। विच हेल्प अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटी वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली वॉट ही हिमसेल्फ कैन डू। यानी अगर कोई सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटीज़ सबॉर्डिनेट्स के साथ में डेलीगेट नहीं करता है तो जो काम उसे आता है वो उतना ही कर पाएगा, वो सारा काम खुद तो नहीं कर सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना सुपीरियर के बस की बात नहीं होती है। उसे कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए अपनी अथॉरिटीज़, अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और तभी वो अपने वर्क को कंप्लीट और अच्छा कर पाएगा। तो अगर वो नहीं कर पाता है ऐसा, क्योंकि इसके बगैर वो अपने ऑपरेशंस के एरिया को एक्सटेंड करता है, वो बढ़ाता है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कुछ हिस्सा अपने सबॉर्डिनेट से पूरा करवाता है और उन्हें इसके लिए अथॉरिटीज डेलीगेट करता है। तो इस तरीके से डेलीगेशन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशनशिप को क्रिएट करता है और उससे ही सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा वर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लेवल तक अथॉरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी डिसीजन लेने की जो पावर है, डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है, वो लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के लोवेस्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ पुश्ड डाउन, नीचे दी जाती है। द चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड यानी ऊपर सुपीरियर से लेकर लास्ट लोवेस्ट लेवल तक जो मैनेजर है, जिसको हम फोरमैन कहते हैं, सुपरवाइज़र कहते हैं, वहाँ तक अगर हम अपने अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो पॉलिसी होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड अमॉन्ग हायरार्किकल लेवल। यानी हम जो हायरार्किकल लेवल हमारा होता है, जिसमें सुपीरियर से लेके सबॉर्डिनेट तक सारे लाइन्स ऑफ चेन ऑफ कमांड बनी हुई होती हैं, उन सब के बीच में, उन सभी के लिए, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक
सभी में जब हम अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो वो पॉलिसी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, एक डायग्राम के थ्रू ये आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें डायरेक्टर है, वो अपनी अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन हेड के साथ, प्रोडक्शन हेड अपनी अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ट्रांसफ़र कर रहा है, लोएस्ट लेवल पर आ गया सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र अपना ट्रांसफ़र कर रहा है फोरमैन को, फोरमैन अपनी अथॉरिटीज़ किसके साथ शेयर कर रहा है, मशीन ऑपरेटर को, यानी टॉप लेवल यानी डायरेक्टर से लेकर मशीन ऑपरेटर यानी लोएस्ट लेवल तक सबको अथॉरिटीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वो आपका कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सब लोग अगर ये काम करने लग जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। पर अगर ये एक काम अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है तो वो डेलीगेशन है, यानी सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में हो रहा हो तो ये डेलीगेशन है। और अगर ये सभी के साथ में टॉप से लेकर बॉटम तक लोवेस्ट लेवल तक सभी के बीच में हो रहा हो तब ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं, क्या डेलीगेशन का मीनिंग है और क्या डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया तो डिफरेंसेस करना भी आसान हो जाएगा। तो कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग हम इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट देखिए नेचर, डेलीगेशन इज़ द कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन, यानी अपने आप कोई भी सारा काम कोई भी सुपीरियर नहीं कर सकता है। तो डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्टिविटी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब तक वो अपनी अथॉरिटीज़ को किसी और के साथ में ट्रांसफ़र नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, वो अपने सबॉर्डिनेट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करा सकता है, इसीलिए डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है। और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की तो डिसेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है जिसमें अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है इस पॉलिसी को कि हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करेंगे तभी इसे यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ ये पॉलिसी कम्प्लीटली ऑप्शनल है और ऑप्शनल है। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप, पॉलिसी कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, तो वही डिसाइड करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को यूज़ करना है या नहीं करना है। तो डेलीगेशन तो कंपलसरी है क्योंकि जब तक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा वो अपने सबॉर्डिनेट से कोई भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करा सकता है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, हम चाहें तो लोवेस्ट लेवल तक अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करें या डिस्ट्रीब्यूट करें पर यह कंपलसरी नहीं है। सेकंड देखिए सिग्निफिकेंस, पर्पस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर, देखिए डेलीगेशन किस लिए किया जाता है, बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, किसके बर्डन को, सुपीरियर के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, कि सुपीरियर अगर अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट के साथ में तो इससे उसके वर्क के बर्डन को कम हो जाएगा और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क पर ध्यान देगा और अदर वर्क के लिए वो सबॉर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबल ठहरा देगा। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनॉमी देने का मतलब होता है कि हम उन्हें अपने डिसीजन लेने की पावर फ्री कर रहे हैं, उससे फ्री कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सबॉर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अपनी ऑटोनॉमी से वर्क अपने लेवल पर जो उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी उनकी अथॉरिटी में आता है उस वर्क से रिलेटेड वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, सबॉर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज़ करता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए स्कोप डेलीगेशन का, देखिए
इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यानी ये किससे रिलेटेड है, इसका स्कोप नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों से रिलेटेड है, सुपीरियर और उसका जस्ट नीचे वाला सबऑर्डिनेट से रिलेटेड है, इसलिए इसका स्कोप नैरो है। और डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए, इट हैज़ वाइड स्कोप, इसका स्कोप वाइड है, क्योंकि ये अप टॉप लेवल से लेकर लोवेस्ट लेवल तक सबको इंक्लूड करता है। इट हैज़ वाइड स्कोप एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो स्कोप किसका ज़्यादा हुआ, स्कोप डिसेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा हुआ। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन यानी अपने लेवल पे डिसीजन लेने की पावर या वर्क की फ्रीडम किस में ज़्यादा होती है। तो डेलीगेशन में देखिए, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। सुपीरियर इसमें अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करने के बाद भी अपनी आई रखता है कि वो वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा होता है और फ्रीडम कम होती है, हैंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजंस। यहाँ पर डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो कम होती है। पर अगर वही बात इसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन में करें, लेस कंट्रोल ओवर एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव्स, हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। डिसेंट्रलाइजेशन में लोवेस्ट लेवल तक अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उन्हें फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकते हैं, सो दैट यहाँ पर कंट्रोल कम होता है और फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटस। इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड बाय टू शेयर टास्क, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, टास्क दी जाती है अपने जस्ट सबॉर्डिनेट्स को। सुपीरियर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को क्या देता है, टास्क शेयर करता है कि उसे ये वर्क करके देना है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करके देनी है। और अगर हम इसमें बात करें, इट इज़ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी डेलीगेशन में तो जैसे ही किसी ने शेयर की टास्क अपनी, तो शुरू हो जाता है डेलीगेशन दो लोगों के बीच में। पर अगर किसी इंस्टीट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी ली गई, पॉलिसी का डिसीजन लिया गया है, तब जाकर डेलीगेशन स्टार्ट होता है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर तो डेलीगेशन में तो तब होगा जब हम किसी के साथ अपनी टास्क को शेयर करेंगे, और यहाँ पर तब होगा डिसेंट्रलाइजेशन जब पॉलिसी का डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी को वापस लेना। यानी अथॉरिटी हम वापस ले सकते हैं क्या, अथॉरिटी हम किस कंडीशन में वापस ले सकते हैं। विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी डेलीगेशन में देखिए, अथॉरिटी डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक, रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। यानी डेलीगेशन में सुपीरियर ने जो अथॉरिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट के साथ में शेयर की है, डेलीगेट की है, वो चाहे तो उसे वापस ले सकता है, टेक इन बैक, और किसी और को, किसी दूसरे को, किसी अलग सबॉर्डिनेट को, किसी दूसरे सबॉर्डिनेट के साथ में रीडेलीगेट भी कर सकता है, उसे वापस डेलीगेट भी कर सकता है, ठीक है। इसमें देखिए आप, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड, देयर कैन नॉट विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी का विड्रॉल नहीं होता है, ये चेन ऑफ कमांड में एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उनको फ्रीडम दे दी जाती है अपने जितना भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की। तो इसमें वापस विड्रॉल अथॉरिटी का नहीं होता है, पर डेलीगेशन में अथॉरिटी का विड्रॉल हो जाता है और रीडेलीगेट भी वो हो जाती है, बट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, लेवल ऑफ अथॉरिटी, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज रिटेन एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसके पास रहती है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में रहती है। अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो ये किस पे रहेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। पर अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो द अथॉरिटी ऑफ सिस्टमैटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन में देखें तो सभी को अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जाती है, किसी एक जगह पे नहीं होती, ऑल लेवल पे होती है। और डेलीगेशन में टॉप लेवल पे होती है और फिर वो अपनी जस्ट सबॉर्डिनेट को दी जाती है। होप करती हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।